जो है वन प्लस की तरफ से 3 अपडेट आया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 अपडेट्स जो आया है वो डिवाइस से रिलेटेड आया है एंड 1 अपडेट जो आया है वो किसी और चीज के लिए। जैसे कि AI जो है एक अपडेट आया था, मैं आपको वीडियो दिया था उसी चीज के बारे में, यहाँ पे एक अपडेट आया है। सो वो जो है एक अलग कंटेंट हो गया, जिसके मैं जो है अलग से आपको एक वीडियो देके समझाऊंगा कि AI का जो फीचर्स है इसमें क्या न्यू आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके सो यहाँ पे फिलहाल बात कर लेते हैं न्यू अपडेट 2 डिवाइस के लिए जो आपके अपने डिवाइस पे देखने को मिलेगा। अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपको हर एक वीडियो एंड हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी चैनल पे मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अपडेट आया है वो है ऑक्सीजन OS 14 डिवाइस है वन प्लस पेड। अगर आपके पास वन प्लस पेड है तो उसमें आपको ऑक्सीजन OS 14 वर्जन देखने को मिलेगा। आपको फोन का जो सेटिंग है वहां पे जाना है, अबाउट पे आना है, वहां पे आके इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि इस अपडेट को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन पे तो क्या क्या चेंजेस आपके फोन पे देखने को। यहाँ पे फर्स्ट चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा, आप जो है अपने फोन पे यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल एप्स पे आप अलग तरीके से वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। यानी जो है अगर आप YouTube देख रहे हैं और उसमें अगर आप अलग से वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं तो अलग से सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे YouTube पे जो वॉल्यूम आप ऐड कर दिए, अगर आप इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन आप यूज करते हैं तो उसमें इसी यही पर्सन का वॉल्यूम उसमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है, अब जो है अब अलग अलग तरीके से अलग अलग एप्लीकेशन पे आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वॉल्यूम बार जो आपको देखने को मिलेगा, यानी जो है आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं तो साइड में आपको एक मेन्यू बार जो देखने को मिल रहा है उस चीज में यहाँ पे आपको न्यू जो है डिजाइन का जो है आपको बार देखने को मिलेगा। ओके यानी वॉल्यूम बार जो आपको देखने को मिल जाता पहले, अब यहाँ पे कुछ और टाइप का आपको देखने को मिलेगा, कुछ न्यू लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा जो काफी इजी रहेगा। एंड आपके फोन के जो डिस्प्ले में रहता है यहाँ पे डेट जो कैलेंडर का रहता है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब जो है एक अलग तरीके के आपको यहाँ पे कैलेंडर जो है आपके फोन के डिस्प्ले पे देखने को मिलेगा, अगर आप जो है डे टू डे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट जो है रिसेंट एप्स, आप कोई भी एप यूज कर रहे थे तो उस फीचर्स पे आप जैसे जाते थे रिसेंट एप्स पे तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता था, सो उस चीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ओके अब यहाँ पे कोई भी इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा जो पहले आपको रिसेंट साइट पे देखने को मिल जाता, यानी जो है कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे रिसेंट एप्लीकेशन पे फाइल पे जाते थे वहां से आपको देखने को मिलता था तो उसमें इश्यूज देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, उस चीज को सॉर्ट आउट किया है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फोन का जो स्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उस चीज को काफी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। ओके अब आपका फोन जो है काफी हद तक यहाँ पे सही परफॉर्मेंस करेगा, पहले से ज्यादा स्पीड आप अपने फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फोन का सिक्योरिटी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, अब कोई और पर्सन अगर आपके फोन को छेड़खानी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है, फोन का सिक्योरिटी सिस्टम को इनहेंस किया है। सो ये गाइस यहाँ पे ये सब चेंजेस आपको वन प्लस पेड पे देखने को मिलेगा अंडर ऑक्सीजन OS 14। अब बात कर लेते हैं दूसरा अपडेट का। ओके ये है ऑक्सीजन OS 14 वर्जन इसमें भी, एंड ये है जो है वन प्लस 10R 5G, अगर आपके पास है वन प्लस 10R तो उसमें आपको न्यू अपडेट ऑक्सीजन OS 14 वर्जन जो है देखने को मिलेगा। बस सेम प्रोसेस है, सेटिंग भी आना है, अबाउट भी आना है, वहां से निकाल के इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके फोन पे देखने को मिलेगा अगर आप जो है इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो। फर्स्ट चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा पार्टियल स्क्रीनशॉट जो साइड बार पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने स्मार्टफोन पे जो है अपने जो है स्मार्ट साइड बार जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको कैसे यूज करना है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे जो कि आप देख के सीख सकते हैं। ओके तो स्मार्ट साइड बार पे आपको एक न्यू पार्टियल करके एक स्क्रीनशॉट जो फीचर्स जो है देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है कि आप जो है कोई भी फोटो यानी 2-4 फोटो को अगर आप क्लिक करना चाहते हैं तो पहले क्या होता था कि फ्रेम पे आप क्लिक कर रहे थे। ओके लेकिन अब जो है विदाउट फ्रेम का आप जो है फोटोज को कलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह आप अटैच कर सकते हैं, जो कि ये न्यू अपडेट पे पॉसिबल है। पुराने अपडेट पे आपको ये जो है नहीं मिलता था, यानी पुराने अपडेट में अगर क्या होता था कि कोई भी फोटो को अगर आप एक जगह करते थे तो उसमें जो है बॉर्डर टाइप का देखने को मिलता था, फ्रेम टाइप का, लेकिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम डाउन वाला बटन से आप जो है फोन का जो टॉर्च है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हैं वॉल्यूम डाउन वाला बटन से। एंड आप पार्टिकुलरली ऐप में जो है साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप जो है किसी अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं
अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग आपको साउंड चाहिए, किसी पे 20%, किसी पे 80%, किसी पे 90%, इस तरह से आप जो है ऐड करके रख सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल एप्स आप अपने हिसाब से साउंड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे साइड बार में जो आपको जो वॉल्यूम का जो मेनू बार देखने को मिलता था, जैसे आप वॉल्यूम वाला बटन क्लिक कर देते तो उसमें आपको यहाँ पे चेंजेस जो है देखने को मिलेगा, यानी न्यू डिजाइन का ये साइड बार आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट है कि फोन का स्टेबिलिटी को इनफो जो परफॉर्मेंस को उसे इंक्रीज किया गया, अब जो आपका फोन जो है पहले से ज्यादा स्मूथ वर्क करेगा। एंड फोन का जो है लास्ट है कि फोन का जो स्टेबिल यहाँ पे फोन का सिक्योरिटी सिस्टम को उसे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। सो गाइस, ये सब चेंजेस आपको वन प्लस 10R पे देखने को मिलेगा इस न्यू अपडेट पे। सो आपका फोन का जो सेटिंग है वहां पे जाना है, अबाउट पे जाना है, वहां से आपको इस अपडेट को इंस्टॉल जरूर कर लेना है। ओके, अगर आपके फोन पे ये न्यू अपडेट जो है स्वॉप नहीं हो रहा है, सो आपको एक बार फोन को रिबूट रिस्टार्ट करके जरूर देख लेना है, ऑन ऑफ करना है। एंड अगर फिर भी नहीं आ रहा है सो एक दो रोज आपको इंतजार करना है। ओके, क्योंकि जो है हर एक डिवाइस में एक साथ नहीं मिल जाता है, कुछ यहाँ पे टाइम लेता है। तो आपके पास वन प्लस का कौन सा डिवाइस है और ये अपडेट अभी आपको मिला है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।